हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग न्यूटन के गति का नियम को जानेंगे। हम लोग न्यूटन के गति का नियम में प्रथम नियम, द्वितीय नियम एवं तृतीय नियम, तीनों नियमों को जो है आसानी से जानेंगे। चलिए देखते हैं न्यूटन के गति का प्रथम नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहता है, देखिए कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्यरत ना हो। ये इसका मतलब ये है, जैसे कि मेरा ये पेन है, ये पेन को देखिए, ये रखा हुआ है, लेकिन इस पर यदि कोई बल हम लोग यदि नहीं लगाएंगे तो ये बल कैसे रहेगा, हमेशा स्थिर बना रहेगा। लेकिन मैं मेरा जो पेन है, ये पेन है, इसको यदि मैं हिला देता हूँ, इसमें कोई असंतुलित बल देखिए लगा रहा हूँ, तो ये अपनी गति में परिवर्तन कर रहा है कि नहीं, ये अपनी जो स्थिति है, अपनी अवस्था है, उसमें देखो बल लगा रहा हूँ तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इसको देखिए मैं यहाँ छोड़ दे रहा हूँ स्वतः, तो क्या ये स्वतः अपना स्थिति परिवर्तन कर रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ठीक, जब मैं इसमें असंतुलित बल लगाऊंगा तभी ये अपनी स्थिर अवस्था या समान गति की अवस्था में जो है परिवर्तन करेगा, वरना वो जैसे है वैसे बना रहेगा। और कोई जैसे कोई गतिशील वस्तु है, यदि वो गतिशील हो रहा है, यदि किसी को उसको रोका ना जाए या कुछ उस पर बल नहीं लगाया जाए, तो जो है हमेशा अपनी गति में बने रहेगी। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसमें बल लगता है, कोई बल लगता है ना, जिसके कारण ऊपर का वस्तु जो है नीचे की ओर आकर्षित होने लगता है। तो इस प्रकार आप लोग को गति के, न्यूटन के जो गति का प्रथम नियम है, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देखिए बच्चों, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या समान समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्यरत ना हो। ठीक, अब चलिए बच्चों देखते हैं गति का दूसरा नियम क्या कहता है। तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम देखिए, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होता है। जैसे कोई वस्तु है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये गतिशील हो रहा है और ये दूसरा वस्तु है, मतलब बल वाला ही, इसको ए मानते हैं, इसको जो है बी मानते हैं। ठीक, तो ये मान लीजिए गति कर रहा है, ये कोई ए पार्टिकल है, तो ये जितना बल इसको लगाएगा, किसको लगाएगा बच्चों, देखिए ए पार्टिकल को, ये कोई वस्तु है, मान लीजिए क्या है वस्तु, ये कोई बल बल लगा रहे हैं। ठीक, तो देखिए ये जो है जितना बल ये बी जो है इस पर लगाएगा, सेम उतना ही बल जो है इस पर डालेगा ये कौन, वस्तु, मतलब इसको जो है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होते हैं। ये जितना बल इसको लगाएगा, ये भी उस उतना बल इसको लगाने लगाएगा। ठीक, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चे, समानुपाती है तो ए समानुपाती बी। ठीक, इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं इसको समझने के लिए। ठीक, तो ये भी आप लोग समझ में आ गया होगा कि जो है प्रत्येक बल के विपरीत, जो है प्रत्येक बल के संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होता है। ठीक, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या कहता है। प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होता है। देखिए प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होता है। इसको कैसे समझेंगे बच्चों, जैसे हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं, जैसे हम लोग चलते हैं, धरती पर चलते हैं, तो जो है हम लोग ऊपर से कोई बल लगाते हैं, लेकिन उसके विपरीत में क्या होता है, नीचे से भी उतना ही उसके विपरीत में प्रतिक्रिया बल लगता है। जैसे कि ये ए है, ये किसको लगाएगा, बी पर बल लगाएगा, तो ये जितना बल लगाएगा वो उतना, ये विपरीत है ना, विपरीत दिशा में लगा रहा है ये इसका बल। देखो हम लोग चलते हैं, उसको समझिए, चलते हैं तो हम लोग नीचे तरफ बल लगाते हैं ना, पैर से हम लोग नीचे बल लगाते हैं, जैसे ये बल लगा दिए, ये बल लगा दिए, तो वैसे ही जो है नीचे से भी बल विपरीत दिशा में हम लोग को ये लगाते हैं, जिसके कारण हम लोग जो है हम लोग का चलना जो है आसानी से हो पाता है। मतलब प्रत्येक क्रिया, मान लीजिए ये क्रिया है क्रिया बल, तो ये विपरीत प्रतिक्रिया होगा, इधर वाला क्या हो जाएगा, विपरीत विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक, ये देखिए विपरीत
प्रतिक्रिया। ठीक, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, विपरीत प्रतिक्रिया। इसी तीसरे नियम का पालन होता है चलते टाइम, जिसके कारण हम लोग जो है नीचे धरती पर बल लगाते हैं, फिर वो भी हमें उतनी ही प्रतिक्रिया बल लगाता है, जिसके कारण जो है हम लोग जो है आसानी से चल पाते हैं। जैसे हम लोग उसको भी समझ सकते हैं, तालाब में जब हम लोग तैरते रहते हैं तो जो है हम लोग नीचे तरफ जितना बल लगता है उतना ही बल जो है नीचे हम लोग लगाते हैं, उतना ही बल नीचे तरफ से भी लगता है, जिसके कारण जो है हम लोग तैरते रहते हैं, तैरने में हम लोग आसानी होता है, नहीं तो हम लोग इतने वजन है क्यों नहीं डूब जाते हैं, जल्दी से नहीं डूबते हैं ना। इसी प्रत्येक क्रिया के कारण जो है विपरीत प्रतिक्रिया बल के कारण ही हम लोग तैर पाते हैं, चल पाते हैं। ठीक, ओके बच्चों, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, एक बार फिर से रिवीजन कीजिए, पढ़िए। ओके।